हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अभी का सीन ज़्यादा बातें नहीं करते। अभी का सीन ये है कि हम लोग सोए उठे हैं सुबह, तकरीबन अभी हो यार तकरीबन 7:30 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग करें अपना सामान लोड, तो अक्सर बेचारी आयशा को लेके बैठी क्योंकि आयशा हो रही थी तंग अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पहले अक्सर का सलाम। हेलो, ऐसे होते हैं सोए लोग। ये देखे, सोई बच्ची पड़ी हुई है और सोई अम्मा दोनों बैठी हुई हैं। हैं कोई है आप लोगों को पता सामान उठाना है क्या करना है? मैं फिर क्या करूं? और उधर जाके अभी जो है ना थोड़ा टाइम लग गया ना, उधर भी हमारे फैन कहते हैं नहीं लगे। अब कहते हैं कि फैन तो हमारे नहीं लगे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन बाकी कुछ जाके वहाँ पे कुछ फैन का हिसाब किताब करते हैं। बैजेब का घर बिल्कुल पास ही है वहाँ पे, तो हो सकता है बैजेब के घर से फैन मिल जाए, तो वहाँ से फैन ले आऊँ मैं। फर्शी पक्का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बिलाल को भी बेचारे की नींद, हम तीनों की जो नींद है ना वो पूरी नहीं हुई है। अक्सा ने जब सुबह उठ के ऐसा अक्सा का मुंह बनाता, मैं इसका देख रहता हूँ क्या हो रहा है। ही ये कोई नहीं, मेरा तो सोया उठ के ऐसा कोई नहीं है। इसका नींद पूरी, इन दोनों का मुंह एक। अच्छा, इसको आयशा भी नहीं ना सोने देती पूरी रात, यही बात है। मैं आप लोगों को बताता हूँ रात को ना, सही बात है, हमने इसको एक्साइटमेंट आया, ये उठ के ना आगे मेरे ऊपर तकरीबन सोई, मेरे ऊपर चढ़ के सोई हुई थी। अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने इस सामान जो से अंदर से तकरीबन सारे का सारा खाली कर दिया हुआ है, बल्कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहते हैं बस, साथ साथ सामान अभी लोड हो रहा है और ये AC वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, ये वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। वो ये सामने हमारा सामान जा रहा है, वो देखे वो जा रहा है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अब जो सा मैंने यहाँ पे, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था अभी तक हुआ, ये जो से घर से हम आए हैं, तो अब जो सा मैंने यहाँ पे किया तकरीबन 1 साल का एग्रीमेंट, तो 1 साल तो इंशाल्लाह सुकून से रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी सामान सामून लेके जा रहे हैं, और सबसे बात ये अक्सर यहाँ पे जब मैंने आना था ना, आप भी साथ जब थी, तो आपको पता है इस चीज़ की ज्यादा टेंशन थी कि रात को गाड़ी किधर खड़ी करेंगे, लेकिन चलो फिर वो मेरे दोस्त की तरफ हो गया, सीन बन गया। और यहाँ पे तो चलो कोई टेंशन नहीं, आराम से अपनी गाड़ी अंदर खड़ी करेंगे। और जब हम इस घर में आ रहे थे, हमें ये नहीं था पता कि हम करने क्या जा रहे हैं, कितनी गर्मी में जा रहे हैं। मैं जिस बंदे को रीजन बताता हूँ घर खाली करने की, ये बात है, वो कहते हैं भाई हमें पता है, आपके बताने से पहले ही पता है, कहते बहुत ज्यादा ऊपर गर्मी होती है। बहरहाल चले, अल्लाह का शुक्र है कि अब अच्छा घर मिल गया, बाकी जो नसीब में लिखा होता है वैसे ही होता है। उस घर में भी पता नहीं अब कौन आएगा, मैं तो वो सोच रही कौन आएंगे, कौन कैसे रहेंगे। सही बात है, और इनको पता ही नहीं है। और पीछे जो अक्सा का फेवरेट सामान है वो सारा संभाल के मैंने अंदर रखा हुआ है, ताकि इसके सामान को जो है ना गाड़ी के मुझे उनको कोई मसला ना पहुंचे। सामान से बहुत प्यार है, मतलब अभी सामान वगैरह लेके जा रहे हैं, अभी वहां जाके उतारते हैं। किससे सामान से ज्यादा प्यार है? चलो जी कर लो प्यार, रहन तो साढ़े ना करें आप सामान के साथ ही करें, जब शिफ्टिंग हो रही है तब सामान से ही प्यार करना चाहिए। अच्छा, मैं तो उनको कुछ कह नहीं ना रहा होता सामान उठाने वालों को, ये जनाब ऊपर खड़ी है फुल फोकस कर रही होती है क्या चीज खराब हो रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ऐसी ये बंदा जो कहता है चुके आ जाए बस। मैं कहता हूँ मेरा हाल देखे, कपड़े ऐसे गंदे हुए पड़े ना, बस अब जाके आराम सुकून से वहां नहाएंगे, फ्रेश फ्रूश होंगे। मोटर अभी वहां पे लगनी है, अभी जाके लगवाते हैं मोटर वगैरह। आहो इन्हें बस काम खराब की तो है, मेरा तो मजा छजे आजकल जाने। ओ एक सुबह लाल नहीं कित, एक सानू देखना की बनेगा, इन्हें धोना पैना, एक मिनट है तो आके ऊपर से रख ऊपर आ गया, बुलवाना पड़ना है। अच्छा गोए वाली डाला लेंदा जी, पढ़ते गोए गोए कर छे हैं। अक्सा एक काम खराब हो गया, थोड़े पर्दे गंदे हो गए, वॉश हो जाएंगे मशीन में डाल के, वो ही नीचे मट्टी शट्टी लग गई, हो जाएंगे वॉश, वो फिर मशीन लगेगी ना तुम तो वॉश नहीं, पानी नहीं लगा हुआ, पानी लगे तो क्या होता है, नहीं वो फिर अंदर वाले कपड़े, नहीं नहीं पानी नहीं लगा, वो वाला चक्कर नहीं है। लाल साहब मैंने उनको पैसे दिए सामान उठाने के, मेहरबानी करो हल्का हल्का सामान लेके आना, तो वो लेके आओ, अरे भी छोटी छोटी चीजें लेके ले जी, वो चीजें उठा लो जो कपड़े छपड़े, ये दोनों तो बैठ गई। हाँ जी आपका क्या सीन है? ये अंदर ही रखते थक गए हम बहुत ज्यादा, थक गई हो, मसला क्या बना मुझे ये बताओ। ये तो बहुत मामला खराब है। अच्छा और क्या मसला बना? मैं कहता हूँ ऐसा आप परेशान नहीं हो, मामा पापा करके रहे कभी एक घर में दूसरे घर में, मसला क्या? बस जिंदगी ऐसी, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं अब इंशाल्लाह हम यहाँ पे 1.5 साल 2 साल रहेंगे, मज़े करेंगे पूरे, आप भी पूरे मज़े करना। हाँ
क्या ये क्या पैंटे भी साथ साथ ही फिर रही है। अच्छा मैं भी अब इसके साथ सामान वगैरह उठा लूँ, जो जो छोटी छोटी मेरे से भी उठाई जाती है ना वो मैं भी उठा लूँ। अभी हमने बल्कि किचन की सफाई भी करनी है, उनको मैंने कहा अंकल को कि मोटर वगैरह मुझे करवा दें, तो किचन की सफाई हुई तो अभी होने वाली, तो कह रहे हैं मोटर मैं अभी लगवा देता हूँ। मोटर लग गई तो ये तो 5 मिनट का काम है, पता भी नहीं चलना सारे सामान का। हाँ हाँ दोबारा कर देंगे, ऊपर ने अभी दिखाना ऊपर वाला सीन, बाद नीचे 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 अभी आयशा को भी नहीं दिखाना, ठीक है दिख गया जनाब, अभी ऊपर वाला सीन नहीं दिखाना, अभी ऊपर सरप्राइज छोड़ा। अक्सर ये भी लगे हुए जाले वगैरह, ये भी उतारने हैं यहाँ से, ये सारे जो है ना। असल में रात को मेरी इस साइड में नजर ही नहीं पड़ी क्योंकि लाइट भी गई हुई थी ना, ये बाहर से जितना जितना साफ हो चुका है, नहीं नहीं भाई बड़ा साफ हो गया इधर रात तो, वो उससे भी बुरा हाल था, इतना बुरा था, ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में बर्फबारी नहीं बुरा पड़ा है, बुरा बारी हुई ऐसे लग रहा था। सही बात है, पानी आ जाए ना तो फिर एक बार वॉश करेंगे और सुकून करेंगे। अभी ऐसी भी लग रही है यहाँ पे एक फैन होना सब बहुत जरूरी है, फैन का तो होना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन ये वाला फैन का नहीं कनेक्शन, ये फैन का कनेक्शन और वो फैन का कनेक्शन है, ये फानूस का है। आपके पास फानूस लगाने के लिए ले लेंगे क्या? फानूस ये देखो, वो ऊपर देखो, वो क्या हुआ? वो देखो ऊपर देखो आयशा, ऊपर देखो ऊपर, वो क्या क्या मिल गया मेरे बच्चे को, पसीना आया बड़ा। सही बात है, रिएक्शन देती है पूरी। असल में ना भाई जी का घर बिल्कुल पास है, मौसम में गए हैं भाई जी बाहर हाफजाबाद, तो वहां से रास्ते में वापस आ रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ भाई जेब आ रहे हैं रास्ते में वापस, तो भाई जेब आते हैं तो फिर मैं उनसे फ़ैन लेता हूँ कोई चलाने के लिए अभी काम शाम, बाकी तो फिर इंशाल्लाह कल मैंने कल एग्रीमेंट वगैरह करना है तो उसमें उनको कहूँगा कि फ़ैन चैन वगैरह मुझे करवा के दे दें, बाकी इंशाल्लाह हो रहा है। और बिलाल साहब बाल्टी लेके आ रहे हैं, बिलाल बस हो गई है ना, बस हो गई है, सारा सामान अंदर हो गया, मैं गेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। मिल गए नहीं आलू चने? आलू चने नहीं, बिलाल साहब लेके आ रहे हैं आलू चने हमारे, हमारे पास और तो कोई चीज़ है नहीं दिखाने के लिए, अभी यही नज़दीक से मिल रही थी, गाड़ी में भी सामान पड़े थे, मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा, तो बिलाल आलू लेके आए आलू चने। बाकी आयशा हमारी कोई नहीं खाती है ना अक्सर, और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग इतनी जो सी परेशान टेंशन ले रहे थे ना इस चीज़ की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आयशा की वहाँ पर रह के मतलब क्या हालात बने उसकी स्किन पर, बल्कि एलर्जी होगी, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें, ये गर्मी से ये भी देखें, अब ये मैंने अभी देखे, ये अभी न्यू, ये गर्मी से जो है ना इसको इस तरह हो गया है, ये सारी एलर्जी सी हुई है। तो हम लोगों को ना अपने से ज्यादा ना आयशा की टेंशन थी कि इसको जो है ना अब जल्दी शिफ्ट कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने जल्दी घर ढूंढा है। बैठे हुए ना लाइट गई हुई है तो बैठा जा रहा है उधर नहीं बैठा जा रहा था। दूसरा इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगने लग पड़ी थी, और जब रात को चीखें मारती थी ना रोती थी, तो मैंने कहा नहीं यार कुछ ना कुछ अब करना पड़ना है। अब ये देखे ना हवा ले रही है ना हैंड फैन से, आराम से बैठी हुई है, तो आराम से बैठी हुई, सुकून है बिल्कुल। ये भी हमारा चल रहा है बहुत तेज किस्म का फैन, बड़ी मुश्किल से आई है हमारी लाइट, ऐसे ही है, और हमारी बच्ची इधर इंजॉय कर रही है। नहीं नहीं आप इंजॉय कर रही हो मुझे पता है आप मान, नहीं 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 इंजॉय कर रही हो आप मुझे पता है आप कर रही हो इंजॉय कर रही, ये पक्के की हवा से उठी जा रही है, ये देखे कह रही है पता नहीं क्या लग गया इधर। अभी जो सर ना एसी वगैरह लगाने वाले आए हुए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं देख लूँ, अक्सर चली को मैंने बिठाया हुआ इधर अंदर से बाहर निकाल के, क्योंकि यहाँ पे बैठी हुई इजी रहेगी बाहर, तो आना जाना। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, खुशखबरी आपके लिए बड़ी मजे की, पूछे क्या वो कबड़ भी लगने शुरू हो गए, उसका काम चल रहा है ये बाहर साल, कैसा लगा आपको? अब आप अपने 2 दिन बाद बर्तन सेट कर सकती हैं, कैसा फील कर रही हैं? दिल गार्डन गार्डन हो गया, आसमान पे चांद भी बड़ा नजर आ रहा होगा। अभी इस फैन का शोर बहुत है, अभी एसी वगैरह लगता है ना तो फिर उसकी सेटिंग शूटिंग करके ना फिर राम स्कूल से बात की जाएगी, अभी तो इस भाई साहब ने शोर बहुत डाला हुआ है जी। अभी का सीन ये है कि इधर भी फैन चल रहा है और इधर भी फैन चल रहा है, दिल कर रहा है चाय पी जाए, देखते हैं अभी चाय का कुछ बंदोबस्त करते हैं। और अक्सर पीछे ये लेटी हुई है, सही है जान के ड्रामे कर रही है आयशा, ये लेटी हुई है, हमने ना अपना सा टीवी लॉन्च है ना अभी तक उधर ये मैट्रेस डाला हुआ है, उधर हम राम स्कूल से लेट के ना अपनी रेस्ट कर रहे हैं। और अभी वो क्या कहते हैं भाई मोटर वगैरह की भी फिटिंग हो रही है, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो तो मोटर की फिटिंग हो रही है, कुछ एसी की भी करनी है, सारा कुछ छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये घर वाले जो है ना काफ़ी अच्छे हैं और सारा काम वगैरह करवा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह रहेंगे तो पता चल जाएगा साथ साथ क्या सीन है, करके नहीं अच्छा। चले जी हम करते हैं ब्लॉग का एंड, इंस्टाग्राम पर अक्सर को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको स्टोरीज मिलती जाएंगी।
जी, और वो देखें वो हमारे घर का दरवाजा बाहर से खुला हुआ है, ये देखें ये फैन लगा हुआ है और एक ये फैन लगा हुआ है। ठीक है जी, फिर हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।